क्या कहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, कभी भी एक दूसरे पर भरोसा करनी चाहिए। आया है लाइफ स्कूल, आया है लाइफ स्कूल, मनाए खुशियाँ सब रे बिल्कुल। आया है लाइफ स्कूल, आया है लाइफ स्कूल, मनाए खुशियाँ सब रे बिल्कुल। अलले अलले अलला लला लाले, अलले अलले अलला लला लाले, गीतों का संग खुशियाँ मना, हम सुनेंगे नया अफसाना। दूसरे चैप्टर में हमने सीखा व्यवहारिक तर्क, यानी कि हमें एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बोलना चाहिए। अगर कोई उदास है तो उसको अच्छे से बोलकर अपने साथ, यानी कि अच्छे से बोलो। और व्यवहारिक तर्क में यही है कि अच्छे से एक दूसरे से व्यवहार करो। और इस बुक में है ना, इस बुक का नाम है मंगल। इसमें है ना, दूसरे दिन में व्यवहारिक तर्क में एक ओक के पेड़ ने रिंकू से पूछा कि पहले का नाम लाला था, दूसरे का नाम लीली, तीसरे का नाम लेलिया, चौथे का नाम लोलो था, तो पांचवे का नाम क्या हुआ। तो है ना, उसने थोड़ा सा सोचा और फिर जो सोचा उसको हम तर्क बोलते हैं। उसका मतलब यही हो गया तर्क। तो उसने सोचकर फट से जवाब दिया कि पांचवे का नाम बिली था। तो मनाए खुशियाँ सबने बिल्कुल, आया है लाइफ स्कूल, आया है लाइफ स्कूल, मनाए खुशियाँ सबने बिल्कुल। अलले अलले अलला लला लाले, अलले अलले अलला लला लाले, अलले अलले अलला लला लाले, अलले अलले अलला लला लाले। मेरा नाम शिफा है, मैं करबला क्षेत्र में रहने वाली हूँ। मैं वर्ल्ड विजन में एज अ वॉलंटियर हूँ। और ये आम हमारा 5 दिन 5 डे का LSTD प्रोग्राम चल रहा है। ये 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज इसका समापन है और ये day 5 तक चलेगा। इसका नाम है, संस्था किस तरीके से प्रमोट करती है इसमें, वैसे वर्ल्ड विजन जो है तो वो बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों और रोजी रोजगार के लिए काम करती है। आगरा में कहीं और भी इसका, ये हाँ बहुत जगह है, ये हमारे बगल में ही कम्युनिटी है नई आबादी करबला, उसमें भी है और बहुत सी है, शाहगंज है, बोधला है, ये सारी कम्युनिटी में जगदीशपुरा। यहाँ हम ये जो 5 डे का प्रोग्राम है LSTD, तो उसमें हमने 5 डे के उनको चैप्टर पढ़ाए हैं। पहला संबद्धता के बारे में बच्चों को सिखाया है, दूसरा व्यवहारिक तर्क के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और उसमें उसको सिखाया शारीरिक अखंडता के बारे में, भावनात्मक विकास के बारे में बताया है उनको। मेरा नाम अपूर्वा है, मैं करबला क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं भी इसी वर्ल्ड विजन की वॉलंटियर हूँ, वर्ल्ड विजन में काम करती हूँ। और LSTD का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं और ये संबंधता है इसके बारे में बता। संस्था से जुड़ी हुई है, मेरे को 1 साल हो चुकी है, अब जी दूसरी साल चल रही है। इसीलिए संस्था का क्या रिस्पॉन्स रहे आप लोग वॉलंटियर्स की तरफ? संस्था का ये रिस्पॉन्स वाला है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, कि उनसे आगे बढ़े और वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनके माँ बाप उनसे बच्चे सीखे कुछ, और उनके माता पिताओं को भी बोलते हैं कि इनको ग्रेजुएट करें, स्कूल में पढ़ाएं। आपने बच्चों को अब तक अपनी तरफ से क्या क्या सिखा दिया? बच्चों को हमने ये सिखाया कि संबद्धता में, कि पहला चैप्टर हमारा ये है कि संबंध कैसे बनाने चाहिए, कि अपनों से बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं रखना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा व्यवहारिक तर्क है, जो बच्चों को व्यवहार से रहना चाहिए, अच्छे से ढंग से, जो समझ में ना आए वो सोच विचार के करना चाहिए। और तीसरा है, सीमा है, मैं करबला से हूँ, मेरा भी यहाँ सेंटर चलता है
और मैंने यहीं पर काम करती हूँ, वॉलंटियर हूँ इस पद पर, और यह एलएसटीडी का आज समापन है। अच्छा, संस्था इसमें क्या क्या मदद देती है आप लोगों को? पेरेंट्सों के लिए भी काफ़ी मदद देती है, जैसे राशन हुआ, कुछ इसमें से स्पॉन्सर बच्चे हैं जिनको सब चीज़ फीस भरी जाती है, राशन भी मिलता है इनके लिए, कॉपी किताबें ड्रेस वगैरह सब। वर्ल्ड विजन चलती है, साल भर चलती है या यही 5 दिन के दौरान? नहीं नहीं नहीं, पूरा साल चलती है, पूरा साल चलती है। अच्छा, और माँ बाप इसमें आपको सपोर्ट करते हैं? जी, बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी तो इतने सारे बच्चे हमारे सपोर्ट करते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि माँ बाप को लगा कि साहब बच्चे खेल कूद के लिए आज 4-5 दिन खेल कूद के मिले हैं? नहीं नहीं नहीं, वो भी तो अलग होता है, ये 5 दिन का प्रोग्राम है, वो भी आनंद लेकर के ये प्रोग्राम करते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको रेगुलर 5 दिन तक भेजते हैं ताकि ये लोग कुछ सीखें, अपने समुदाय में भी करें, दूसरों को भी सिखाएं और अपने जो समुदाय के बच्चे हैं उनको भी सिखाएं, यहाँ से सेंटर पे से सीखने के बाद वो अपने बच्चों को। इसमें आप संग लेते हैं? मैं तो सबसे पुरानी हूँ, मैं ये है 6-7 साल हो गए मुझे, 4-5 साल हो गए हैं, और जो वर्ल्ड विजन जो काम कर रही है वो उनको हो गया आज से 9 साल हो गए। यानी आपका लोगों का अनुभव इस दौरान कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बस ये है थोड़ा लेट सीखते हैं, लेकिन इनका है बहुत अच्छे से सीखते हैं, पेरेंट्स भी है उनको भी लगाव है, बहुत अच्छे से उनको भेजना रहता है, टाइम टेबल पे वो भेजते हैं बच्चों को, बच्चे भी बहुत कुछ सीख के अपने दूसरे फ्रेंडों को सिखाते हैं। पीने की भी चीज मुहैया कराई जाती है? हाँ हाँ, जी जी, खाने पीने का सब कुछ दिया जाता है बच्चों का, बच्चों की बहुत मदद करती है वर्ल्ड विजन जो है, उसका शिक्षा के ऊपर भी उनका फोकस है और रोजी रोजगार के ऊपर भी उनका फोकस है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से मजे से धूमधाम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी हम भी पढ़ते हैं, हम भी सीखते हैं, हम 5 क्लास में। अभी तक आपने क्या सीखा? हमने आपको बताया तो था शुरू में, लेकिन पहला जो चैप्टर है संबंध था, उसमें हमने सीखा कि संबंधता इस तरीके की होती है, जैसे एक दूसरे से अच्छी संबंधता है। आजकल का जो दौर चल रहा है, जो गंदा दौर चल रहा है, इसमें गुड टच और बैड टच के बारे में थोड़े देर पहले आपने बताया था, तो इससे संबंधित बच्चों को और अपने साथी जैसी लड़कियों को क्या बताना चाहेंगी कि किस तरीके से उनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए? अगर उनको कोई टच करता है, उनको कुछ अंदर से ही कुछ फीलिंग आती है, उनको डर सा लगता, तो पहले तो जो व्यक्ति टच कर रहा उससे कहना स्टॉप, उससे जोरदार आवाज में कहना, चीखना है, चिल्लाना, और फिर वहाँ से भागना, और फिर तुरंत अपने भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि माँ पापा टीचर फ्रेंड दादी ये सब होते हैं, इनसे जाकर कहना है, मतलब डरना नहीं है, डरना नहीं है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।